एवरीवन, वेलकम बैक टू निरूपा सिंपल लाइफ। कहा जाता है डू व्हाट यू लव, जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपको खुशी देता हो, आपको वही करना चाहिए। सो आई एम डूइंग द सेम थिंग। मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इस काम को कर रही हूँ। और आपको भी मैं यही कहूँगी कि आपको जो खुशी दे, जो आपको पसंद हो, आप वही करें, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है, इसे हमें अपने हिसाब से जीना है, अपनी पसंद से जीना है। पर दोस्तों, अक्सर लोग पसंद और नापसंद में उलझ के रह जाते हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको वही करना है जो आपको पसंद है, पर इसके साथ आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको समय और परिस्थिति के हिसाब से डिसीज़न लेना है कि आपको क्या करना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए। तो समय के हिसाब से आपको चलना है, ना कि अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से। हमें खुश रहना है, पर अपने परिवार को दुखी करके नहीं, अपनी ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज करके नहीं। इसीलिए आप अपने खुशी के साथ अपने परिवार की खुशी और ज़िम्मेदारियों का भी ध्यान रखें। इस चीज़ का मैनेजमेंट आपको करना सीखना चाहिए। दोस्तों, थैंक यू कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, और आज मैं अपने कमेंट का रिप्लाई आपको करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं, तो मैं उस कमेंट के लिए ही बस आपको ये रिप्लाई करना चाहूंगी। मैं अपने उन व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि मैं जो कुछ भी करती हूँ, सिर्फ मैं उनके लिए करती हूँ जिन्हें मैं प्यार करती हूँ, जिनकी मुझे परवाह है, और जो मेरी जिम्मेदारियां हैं तो उन्हें मैं निभाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैं अपने सारे जिम्मेदारी कर्तव्यों को निभाते हुए आगे बढ़ती हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में कभी इतने सारे काम कभी नहीं किए, पर आफ्टर मैरिज मैंने धीरे धीरे उन्हें करना शुरू किया और मैंने देखा कि मैंने कई सारी चीजें सीखी, और डेफिनेटली लोगों ने मुझे एक जिम्मेदार बहू बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी एप्रिसिएशन आपको मिलते हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई सारे काम ऐसे हैं जो हमें करना पड़ता है अपने परिवार के लिए, उनकी खुशी के लिए, तो आप भी जरूर कीजिएगा और जिम्मेदार बनने की कोशिश करें, अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करें। यह कह के पल्ला नहीं झाड़ें कि ये हमें पसंद नहीं तो हम नहीं करेंगे, कोई हम काम वाली बाई नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से, अपने कर्तव्यों को निभाने से कोई काम वाली नहीं बनता है या काम वाला नहीं बनता है। जो हमारी जिम्मेदारी है उसे आप अच्छे तरीके से पूरे मन से निभाएं, अपने पूरे कर्म से निभाएं। बस मैं आपसे इस वीडियो में यही कहना चाहती हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, धन्यवाद देना चाहूंगी उन्हें, और मैं कहूंगी कि बेल आइकन को भी आप हिट कर दें ताकि मेरे नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।